और सबसे पहले बालोतरा से बड़ी खबर है। पचपदरा रोड स्थित एक कार गैरेज में लगी जोरदार आग, देर रात लगी है आग से गैरेज जलकर राख हो गया है। गैरेज में खड़ी दर्जन भर गाड़ियां भी जली हैं। पचपदरा रोड स्थित महालक्ष्मी कार गैरेज में आग लगी है और देखिए दीपावली का मौका है और ऐसे में व्यापारियों को बेहद उम्मीद रहती है मार्केट से, लेकिन यहां आप सोचिए इनकी दिवाली किस तरीके से बेरंग होती हुई नजर आ रही है। मशक्कत के बाद दमकलों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। ये तस्वीर बेहद दुखद उस व्यक्ति के लिए जिसका ये शोरूम, जिसका ये गैराज। बंशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। बंशी, ये गैराज में आग लगी कैसे, कुछ पता चल पाया क्या? देखिए दीपिका, अभी तक कारणों का कोई पता नहीं चला है। हो सकता है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई फटाके की चिंगारी की उछली हो या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन ये हाईवे पर था, बालोतरा शहर से और पचपदरा दोनों शहरों के बीच में था। तो निजी तौर पर देर रात को आग लगी थी। आग की लपटें आसपास दूर दराज के क्षेत्रों में गई। देर रात तक कई दमकलों की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और पचपदरा पुलिस और बालोतरा से पुलिस का जाब्ता भी रात पर वहां तैनात रहा। तो कई गाड़ियां थी उस गैराज के अंदर, वो भी जलकर खाक हो गई है। मशी, कितना नुकसान हुआ है? देखिए अभी ये बताना तो मुश्किल होगा क्योंकि कितना हुआ, क्योंकि खूब सारी गाड़ियां आई हुई थी। दीपावली के त्योहार को लेकर भी गाड़ियों की छोटी मोटी सर्विस की थी और दूसरी कई गाड़ियां भी अंदर खड़ी थी जिसका कोई मैकेनिक काम काज करना था। तो 15 से 20 गाड़ियों का बताया जा रहा है, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। जी मंशी, जिस समय ये आग लगी गैराज में क्या कोई मौजूद भी था? हाँ देखिए, जो मजदूर थे अंदर, जो मिस्त्री थे, वो गैराज के अंदर ही थे क्योंकि रात को करीबन 11:30-12 बजे के आसपास की घटना है, तो अंदर ही थे क्योंकि काम चल रहा था। तो दिन और रात दोनों टाइम ये शिफ्ट में अभी गैराज चल रहा था। मंशी, तो फिर जो लोग अंदर थे फिर उनकी क्या स्थिति है, कुछ पता चल पा रहा है, क्या जनहानि हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि खुले में था, तो जैसे ही जानकारी मिली आग की तो बाहर निकल गए थे। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई है या किसी को कोई चोट वगैरह पहुंची है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एरिया में ये आग फैल चुकी है, सब कुछ तहस नहस हो गया है, खाक हो गया है जलकर। जाहिर सी बात है नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ होगा, लेकिन जरा बताइए कि इसके अलावा भी कोई अन्य गैराज यहाँ पर हो या फिर कोई अन्य शॉप हो वो भी इस आग की जद में आई हो? हाँ देखिए, पास में कोई दूसरी दुकान है तो कोई बड़ा गैराज या दूसरी दुकान नहीं थी क्योंकि हाईवे पर था, खुले में था, तो क्यों बड़े एरिया में ये गैराज था। हालांकि पास में एक और छोटी मोटी कोई दुकान थी पान की, उनको नुकसान पहुंचा है, चाय की होटल वगैरह, बाकी किसी कोई बड़ा नुकसान पास में नहीं हुआ है। हालांकि जो गैराज था, गैराज के बाहर गाड़ियां थी, अंदर थी, जो सारा का सारा जलकर राख हो गया, जिसमें कई मशीनरी भी थी। बिल्कुल बंशी, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और दिवाली पर ये दुखों का पहाड़ उस मालिक पर जिसका ये गैराज है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।